मोशन बेटा ऑडियो डिले हो रही है क्या? यस सर, स्लो मोशन पे हो गई है, स्लो मोशन हो रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अभी सही आ रहा। कभी कभी हो रहा है क्या ऐसा? सर अभी तो सही आ रहा है। आप क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके नो सर, अभी भी वैसी ही। अच्छा बेटा, हो सकता है तुम्हारा जो नेटवर्क है वो सही नहीं हो। बेटा केतन, आवाज कैसी आ रही है? नव्या? सर एकदम सही आ रही है। एकदम सही आ रही है बेटा। यस सर। बेटा पायल, एक बार के लिए नेटवर्क जो है वो चेक कर लो एक बार के लिए। यस। ओके चलिए भाई, तो पॉलिनोमियल तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोल पूछ सकता है। अभी कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर। ओके चलिए भाई, तो अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें बेटा। यस यस सर। ओके तो अपन शुरू करने जा रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी में कौन सा है? सर यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। चलिए भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा। yes. तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन बात करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें आप लिखिए लेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखिए लेट कैपिटल एक्स डैश ओ एक्स कैपिटल एक्स डैश ओ एक्स एंड एंड वाई डैश ओ y are two perpendicular lines to any point o, in the plane of a paper to any point O in the plane of the paper sir plane of a paper हाँ
मतलब जैसे ये कोई भी, अगर अपन जैसे तुम्हारा जो भी नोटबुक है, नोटबुक की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जो भी पेज है उसके ऊपर अपन ने क्या की, दो कोई भी परपेंडिकुलर लाइंस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है, ये अपने पास दो लाइंस हो गई, ये अपन ने बोल दिया ये जो भी लाइन है इस लाइन को अपन ने बोल दिया एक्स डैश ओ एंड एक्स, ये हो गया वाई डैश ओ एंड वाई, क्लियर है वाली बात, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है पासेस टू ओ पॉइंट, ओके ओके ओके, दिस पॉइंट ओ इज, दिस पॉइंट ओ इज नॉन एज ओरिजन, ओ पॉइंट जो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजन बोलेंगे, ओके ओके, एंड द लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज, एक्स ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और द एक्सिस ऑफ एक्स, या तो x एक्सिस बोला जा सकता है इसको, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं द एक्सिस ऑफ x, ओके यस, एंड द लाइन y डैश ओ y इज कॉल्ड y एक्सिस और द एक्सिस ऑफ y, ओके नॉट डन बेटा, यस यस सर, उसके बाद लिखिए द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेकन टुगेदर इज कॉल्ड, अगर इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को एक साथ अगर ले लिया जाए आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके हो गया नोट डाउन बेटा, ये ओके उसके बाद आगे लिखिए इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. Cartesian coordinates of the point. Clear hai beta ji? Yes sir. Okay. तो अपन बोलेंगे let x dash o x and y dash o y be the coordinate axes and let p be any point in the plane. कोई भी पी जो है वो कोई भी एक पॉइंट गिवन है अपने पास प्लेन में कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी बेटा जी. ये हो गया अपना वाई एक्सिस वाई डैश ये हो गया अपना वाई ये हो गया अपना एक्स डैश ये हो गया अपना एक्स ये हो गया ओ और यहाँ कहीं हो गया वो पी पॉइंट अपने पास. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. कहीं पे भी ले सकते हो पी यहाँ भी हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है कहीं पे भी पी पॉइंट को अपन कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं. ओके यस ओके. तो इसके बाद इसमें आगे लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर्स perpendiculars PM and PN PM and PN from P to X and Y axis. X और Y axis पे अपन क्या करेंगे perpendiculars draw करेंगे. तो मान लो कि इससे अपन ने ये perpendicular draw किया क्लियर है बेटा जी? और सिमिलर ये इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने क्लियर है वाली बात बेटा? यस यस सर. PM एंड PN ये अपन ने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए P पॉइंट से X एंड Y एक्सिस पे. यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? यस सर. तो उसके बाद लिखिए यहां पे द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एम इन द यूनिट ऑफ selected scale is called x coordinate or abscissa. क्या बेटा बात कुछ ये कहना चाह रहा है कि अपन ने क्या किया था ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने तो उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये जो ओ एम ये जो डिस्टेंस ये जो अपने पास
ओ एम डिस्टेंस, ये जो भी लेंथ आई, जो भी अपन ने स्केल लिया था सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर, जो भी अपन अपन ने जो भी यूनिट सेलेक्ट की थी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अलग अलग यूनिट्स कंसीडर करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कंसीडर कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन बात करें। तो ये जो भी लेंथ आई जिस भी यूनिट में है अपने पास, किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर है ना, इस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, ये लेंथ क्या हो जाएगी इस पी पॉइंट का, या तो उसको क्या बोलेंगे अपन एब्सिसा बोलेंगे, या फिर इस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि इस पी पॉइंट के लिए, इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे पहले x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, x एक्सिस के अलोंग अपन ट्रेवल करेंगे ओ एम डिस्टेंस। क्लियर है वाली बात बेटा? यस। ओके, और दूसरा अगर अपन बात करें y एक्सिस में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा अलोंग टू द y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, pm डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? ये जो pm डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा अपन क्या लिख देंगे, ये जो भी अपने पास द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ एन। आ रही बात समझ में बेटा जी? यस सर। सिमिलरली ओ एन इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p। क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से सबको बेटा? यस। Done? Yes, sir. Okay. तो देखिए बेटा, अगर अपन बात करें कि अपने पास कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपने पास पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने बोल दिए एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये जो भी एक्स होगा, इस एक्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या बोलेंगे एब्सिसा, ये क्या हो जाएगा अपने पास y कोऑर्डिनेट और क्या बोलेंगे इसको, y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ना। ओके, ये हो जाएगा अपना o है ना, इस o को अपन क्या बोलेंगे बेटा, o क्या हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन। ये जो भी O से आगे की तरफ ये जो X एक्सिस का ये जो पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव X एक्सिस। ओके, ये जो भी पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव Y एक्सिस, इसको अपन क्या बोलेंगे नेगेटिव Y एक्सिस, इसको अपन क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, तो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
perpendicular distance of P from y-axis and ordinate is perpendicular distance of P from x-axis. क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. Yes. हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर. यस. ओके. चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल ही. ओके. ये अपने पास ये बने. ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5. ओके. ये अपना x एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y एक्सिस. क्लियर है वाली बात बेटा जी यहां तक? यस सर. ओके. ये इस टाइप से एक पॉइंट दे रखा है तुम्हारे पास. ये पॉइंट हो गया मान लो a. नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हो गया मान लो तुम्हारे पास समथिंग कुछ b है ना, और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास समथिंग कुछ c. ओके. नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास समथिंग कुछ b. देन फाइंड द एब्सिस and ordinates of point A, B, C, D and finally write down the points also. हो गया क्या बेटा? सो वन मिनट. ओके इट्स ओके.
ओके तो ई का एक्सिस कितना हो जाएगा बेटा, ए पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? सर सर ए पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी है, इस वाई एक्सिस से कितना इधर आए अपन, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इधर कितना चले अपन? फोर फोर ओके हो जाएगा इसका एक्सिस। ऑर्डिनेट के लिए ए पॉइंट के लिए अपन वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले? थ्री माइनस ओके दैट मींस ए पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, बी पॉइंट के लिए अपन बताइए भाई बी पॉइंट वाई एक्सिस से कितना इधर है? माइनस टू माइनस टू ओके नेक्स्ट ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसके लिए? वन ओके दैट मींस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस टू कॉमा वन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट सी पॉइंट के लिए सर एब्सिसा जो होगा वो तो माइनस थ्री हो जाएगा ओके और फिर ऑर्डिनेट माइनस माइनस टू बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा डी पॉइंट के लिए सर जो एब्सिसा है वो तो सर थ्री एब्सिसा हो जाएगा, एब्सिसा कितना होगा डी पॉइंट के लिए सर थ्री माइनस फोर बेटा माइनस फोर कैसे हो जाएगा, माइनस फोर तो वाई एक्सिस पे है, डी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, कितना इधर चले इस डी पॉइंट के लिए सर थ्री थ्री चलेगा तो ये थ्री होगा। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका बेटा, एक इसका माइनस सर माइनस फोर सर माइनस फोर तो ये हो जाएगा माइनस फोर। ओके तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस थ्री कोमा माइनस टू एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे थ्री कोमा माइनस थ्री माइनस। आया बेटा अच्छे से समझ में ये? यस सर। ओके बढ़े आगे बेटा। यस सर। ओके चलिए हटा देंगे। ओके भाई तो ओके तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? अब तक यहाँ तक जितना भी अपन ने पढ़ा है उसके अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर डाउट नहीं है। ओके और एक दूसरी बात, क्लास जो है वो बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करो प्लीज, ठीक है ना? जैसे ही मेरी इससे पहले की जो भी क्लास चल रही होती है वो क्लास जैसे ही ओवर होती है होते ही मैं दूसरी एक साथ, और जैसे ही अगर तुम लोग ज्वाइन कर लेते हो तो फिर उस क्लास में रुक जाया करो ताकि पता चल जाए तुम्हें कि हाँ ठीक है अभी क्लास अटेंड खत्म होने वाली है एंड होने वाली है, ठीक है ना? लेफ्ट मत किया करो कोई दिक्कत। ओके ताकि फटाफट से ज्वाइन हो जाए तो क्लास का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए अपना। ओके 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 बेटा चलिए तो पॉलिनोमियल के डिफ भी सारे हो गए थे ना डिस्कस? यस सर यस सर। चलिए ओके तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। ओके ओके सर।